यार मैंने बहुत डांस डायरेक्टर देखे, अच्छा एक से एक, हाँ। लेकिन आप हैं क्या मूवमेंट देते हैं। बहू भाई, मैंने बहुत कैमरामैन लोगों के साथ काम किया है, बहुत फोटोग्राफी देखी है, पर आप क्या बात है। लेकिन पवन जी, बहू भाई, यार आप में एक एक कला है, इसलिए तो लड़कियां आपकी दीवानी है। बहू भाई, दीवानी तो लड़कियां आपकी भी है, सेट पे सब देखता रहता हूँ। नहीं, नहीं, नहीं। लोग समझते आप कैमरे में देख रहे हो। पवन जी, मैं सिर्फ एक का दीवाना हूँ। एक का? ये क्या? ताली दो। अरे हमारे आपके ख्यालात कितने मिलते जुलते हैं। कैसे? मैं भी सिर्फ एक का दीवाना हूँ। क्या बात कर, भाभी जान से कब मिलवा रहे हो? कल सुबह सेट पे मिल लो। इतनी जल्दी फटाफट? ओ अच्छा, वो जो चार जूनियर डांसर्स हैं, उसमें से काली वाली मोटी बुटकी उसके साथ क्या हुआ? पवन जी क्या हो गया? नहीं क्या हुआ क्या? नहीं, हो क्या गया आपको? नहीं क्या, मैं समझा नहीं, क्या ऐसे ख्याल आते हैं आपके? मैं आपके डिपार्टमेंट में क्यों हाथ डालूंगा? इधर। हाँ, वो जो अपने फिल्म की प्रोड्यूसर है ना, बरखा रानी। हाँ बरखा रानी। हाँ, कल सुबह से उनको भाभी कहना शुरू कर दो। जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? बाबू भाई, आपने यहाँ पे सुसु कर दिया। अरे बरखा रानी को तो भाभी आप कहेंगे। एक्चुअली बरखा मैं मैं उसे भाभी क्यों कहूँगा बे? ए मैं क्यों कहूँगा बे? तमीज से बात करना, तमीज से। अबे चुप, तू चुप रहे बाबू। तू मेरी अमानत पर बुरी नजर डालता है। बुरी नजर तू डालता है, कैमरे के अंदर झांक झांक के लड़कियों पे जूम मारता रहता है, जूम। और तू क्या करता है? अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों के कमर में हाथ डाल के उन्हें डांस सिखाता है। पापी कहीं के? पापी तू है जो मेरी बरखा रानी पे गंदी नजर डालता है। खबरदार, जो मेरी बरखा रानी कहा तो कमर तोड़ दूंगा, फिर डांस के काबिल नहीं रहेगा तू। मैं तेरी आंखें खोल कर हाथ में दूंगा, फोटोग्राफी भूल जाएगा। तेरी शक्ल पे लानत है, तेरे साथ काम कौन करना चाहता है? आर्टिस्ट का थोबड़ा तो नजर आता नहीं स्क्रीन पे, फोटोग्राफर बना फिरता है। तू तू चल रे, तू क्या है, तू क्या है, सुनता जा। अबे तू तो बूगी बूगी में जाने के लायक नहीं है, डांस मास्टर बनता है। अबे किसी गाँव के स्कूल में जाके पहले मास्टरी कर। मास्टरी साले रिटायर्ड बुढ़े ठरकबाज, इनकी ठरक तो निकालनी ही पड़ेगी। बरखा जी सब कुछ अच्छे से। बरखा जी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? ये पवन, ये बाबू, इनकी माँ की याद आ गई। आज उसकी बरसी है। अच्छा अच्छा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। माँ की सीढ़ी, तुझे नहीं पता मेरी माँ कितनी ग्रेट औरत थी। उसने इस बरखा को बरखा रानी बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। क्या बात, बहुत पापड़ बेले। हाँ हाँ, मैंने सुना है। अब उनकी पहली फिल्म हिट हुई, प्रोड्यूसर लोगों के घर के बाहर लाइन लग गई। हाँ, लाइन तो आज भी लगी हुई है, आप देखने की कोशिश तो कीजिए। अब उनका नसीब देखो। हाँ। उसी दिन अब उनकी माँ कल्लास। बड़े दुख की बात है, ब्लड कैंसर था उसको। हाँ। अब उनकी पहली फिल्म भी नहीं देख पाई। हाँ। जो प्रोड्यूसर अपन को साइन करने आए थे ना। हाँ। वही उसे साइन के शमशान घर। So sad. मैं उस महान औरत के लिए प्रार्थना करूंगा। मैं चलता हूँ। ये माँ कितनी अच्छी थी। हेलो। हाँ जी, मैं सीडी बोल रहा हूँ। अब देखिए, मुझे इस शहर की ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप एक काम कीजिए, गुलाब के ताजे ताजे फूलों का एक बुके लेकर आइए प्लीज फौरन। हाँ 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 हाँ, अरे आज बरखा रानी की जिंदगी का बड़ा खुशियों भरा दिन है, तो हमारा फर्ज बनता है उन्हें मुबारकबाद देने का।
और फिर उन्हें गुलाब के ताजे ताजे फूल भी पसंद है। हाँ आप फौरन लेकर आइए, ताजे ताजे हो। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो। मैं चाहता हूं कि आपकी जिंदगी में ऐसा दिन रोज आए, इसलिए तो रोज लाया हूं और रोज लाता रहूंगा। वाह 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 वाह, आज की खुशियों को याद करके कितनी खुश नजर आ रही हैं आप। वाह 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 वाह, क्या लग रही हैं आप। आज एक बार फिर इस बेपनाह खुशी के मौके पर मैं आपको दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। तेरा खिसक गया क्या? आज अपन की बुड्ढी मरी थी, बुड्ढी उसी की बरसी है और तू मुबारकबाद की वाट लगा रहा है, सारा हरामी हरकत। क्या यही प्यार है? मेरे सिवा इस यूनिट का हर आदमी काम छोड़कर अपने अपने काम पे लगा हुआ है। क्या हो रहा है? हाँ? नहीं, मेरा मतलब क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि हम दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। तेरी माँ को पता चला ना, फिल्म लाइन तो तू भूल जा। संडास का बिजनेस करना ही पड़ेगा। मुझे बिठाएगी दुकान पर और तुझे भेजी कमोड फिटिंग करने के लिए। तू लाई भर लोगों के संडास में घुस घुस के कमोड फिटिंग करते रहना। माँ से बात मैंने कर ली। कमोड फिटिंग की? अरे क्या? हाय कांग्रेचुलेशंस, तेरी मम्मी का फोन आया था। कौन सी लड़की पसंद की तूने? ये है तेरी होने वाली भाभी। वाओ, ये वाओ। हम यहाँ बारात लेकर नहीं आए हैं, भाभी बनेगी इंडिया जाकर। काम पे ध्यान दो तुम लोग। युक्ता जी सुबह 6 o'clock रेडी विद मेकअप। रूप तेरा मस्त, हेलो। हाँ, अरे चंदू, अरे सुन रहे हो ना मेरी आवाज? कल तुम आ रहे हो ना? अरे सुनो सुनो, बरखा रानी के लिए कुछ मंगवाना है। हाँ अच्छा सुनो, जब कल मुंबई चलो ना तो एक कटहल लेते आना, वो भी पका हुआ। अरे फनस और कटहल एक ही होता है ना यार। हाँ हाँ आ जाओ। नहीं, बरखा रानी को कटहल बहुत पसंद है ना, वो देखेंगी तो बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ। अरे सीडी, तेरा कटहल तो बाद में आएगा, उससे पहले मेरा कटहल बरखा रानी तक पहुंच जाएगा। आपका फेवरेट बहुत दूर से लाया, निकालना नहीं खाना है। क्या ये प्यार है? पवन जी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये क्या कर रहे हैं आप? अब ये नामुमकिन है पवन जी, प्लीज। कुछ नहीं सुनूंगा मैं। मैंने कह दिया मतलब कह दिया, मेरा पैकअप कर दो, मुझे इंडिया वापस भेज दो। पवन जी अभी काम फिनिश नहीं हुआ है, मैं टीकू साहब को क्या जवाब दूंगा? मेरे करियर का सवाल है, प्लीज आप मानिए तो प्लीज। लेकिन मैं तमाचा खाने नहीं आया हूं, मैं तमाचा मारो मुझे। आप ही की बात सुन के मैं कटहल लेके उनके कमरे में गया था। पवन जी मैंने तो बाबू भाई के कहने पर मोबाइल पर कटहल ऑर्डर कर दिया था, प्लीज आप समझिए बात को। अच्छा ये सब बाबू की चाल है? फिर तुम चाहते हो ना मैं यहाँ काम करूँ? मेरा रोम रोम चाहता है आप काम। मैं काम करूंगा। थैंक यू सो मच पवन जी, पर बाबू का पैकअप कर दो, बाबू को इंडिया वापस भेज दो, उसके साथ काम नहीं करूंगा मैं अपनी ट्यूनिंग का कैमरा इंडिया से बुलाऊंगा, उसके साथ काम करूंगा मैं। बाबू भी इसके बारे में ही सोच रहा होगा सीडी।
पवन जी आप आराम से दारू पीजिए, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ, ओके? आप रिलैक्स हो जाइए। अच्छा अब समझा मैं, तो ये पवन मास्टर की चाल थी, तभी तो मैं कहूँ कि बरखा मेरे ऊपर हाथ कैसे उठा सकती है। हाँ सर, मैंने तो उन्हीं के कहने पर फूलों का ऑर्डर दिया था ना, और आपने सुन लिया और आप चले गए बरखा रानी कमरे में फूल लेकर, और फिर तमाचा पड़ा, और सर इतना बुरा लगा जब मैंने सुना कि आप। ठीक है ठीक है बस करो, तुझे याद रखूंगा पवन। ये पवन का पैकअप करो यार। सर मैं भी यही सोच रहा था कि इनका पैकअप कर देते हैं, झंझट खत्म करते हैं, लेकिन लेकिन क्या सर, मैंने बरखा रानी से इस बारे में डिस्कस किया था, गड़बड़ है। क्या क्या गड़बड़ है? बरखा रानी अपनी ट्यूनिंग का डांस डायरेक्टर बुलाना चाहती हैं, और मैंने सुना है कि वो उनका बहुत पुराना आशिक है। ओ। और आउटडोर का मामला है, आपका तो सारा खेल चौपट हो जाएगा ना, इससे तो पवन बेवकूफ क्या बुरा है, कम से कम आप उससे फाइट तो कर सकते हैं। You're right. सर मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस फाइट में जीत सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। बरखा रानी आप पे ही बरसेगी फुल चांसेस। बाबू भाई काली जबान है, जो बोलता हूँ सच हो जाता है। सिडी सुनो, पवन का पैकअप मत करो यार। सर वेरी गुड, ये तूने बहुत अच्छा किया, बरखा रानी की ट्यूनिंग का कैमरामैन नहीं आना चाहिए। बिल्कुल हाँ सर, मैंने सुना है 16 साल पुराना आशिक है बरखा रानी का, उसके आगे आपकी दाल कहाँ गले। और बाबू भाई बेवकूफ है, लेकिन कम से कम आप उससे फाइट तो कर सकते हैं। You're right. है सर, मैं दावे के साथ कहता हूँ सर, इस फाइट में जीत सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। अच्छा, बरखा रानी आप पे ही बरसेंगी, फुल चांसेस हैं। वेरी गुड सर, काली जबान है, जो कहता हूँ सच हो जाता है। अच्छा सीडी, हाँ बाबू का पैकअप मत करो सर। हाँ?